आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है जैन मित्र मंडल अंतर्गत प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत धर्मपुरा दिल्ली। गुड फील आया कि बैड फील, विचार कीजिए, चिंतवन कीजिए। जब आपको किसी ने सम्मान में ताली बजाकर अभिवादन किया या आपका नाम पुकार करके आपको आगे बुलाया तो कैसा लगा, विचार कीजिए। बस यही पॉजिटिव एनर्जी जीने के लिए बहुत है। अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करना है, बुरी चीज़ों को भुला देना, यही अहिंसा विश्व जैन धर्म बताता है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पहले मैं बोलूँगा, सिद्ध भगवान का नाम लेंगे और उनके चरण कमल में नमोस्तु पे सिद्ध करेंगे सभी लोग। ॐ नमः सिद्धेव्याय। ॐ नमः सिद्धेव्याय। ॐ नमः सिद्धेव्याय। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिरिसिद्धाणम्। ओम नमो आयरियाणम। ओम नमो अज्ञायाणम। ओम नमो लोहे सव्वे साहुणम। ओम नमो लोहे सव्वे साहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणि मंगलं कुंदे कुंदे यादो जैन धर्मोस्तु मंगलं। जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वे मंगल मांगल्यं सर्वे कल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणं। जैनं जयतु शासिनं। जैनं जयतु शासिनं। जैनं जयतु शासिनं। आपने आपको आप में भर लिया। आपने आपको आप में भर लिया। चेतना को स्वयं ही पिखर कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आपके दो चरण में विनम्र नमन। आपके दो चरण मैं विनम्र नमन। आपके दो चरण मैं विनम्र नमन। बाहुबली जी गुरु
श्रुति सागर जी गुरु दो बैरागी किरण, श्रुति सागर जी गुरु दो बैरागी किरण, हे नमन लो शरण दो समाधि मरण, हे नमन लो शरण दो समाधि मरण, गुरु आपके दो चरण में विनम्र नमन, गुरु आपके दो चरण में विनम्र नमन। बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की। ऐसे नहीं, मुस्कुरा करके, दोनों हाथ खोल करके जब भी अच्छी बात बोले, प्रसन्न चित्त होकर के, हृदय अंगांग करके, मन प्रसन्न होना चाहिए। देवा यान्ति वशं प्रसन्न मनसा, आगम में कहा है, दोनों हाथ ऊपर करके मुस्कुरा कर बोलो, बोलो शासन नायक महावीर भगवान की, भगवान के जन्म जयंती कल्याणक महोत्सव की, चौबीसों तीर्थंकर भगवंतों की, अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, पावन पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा विश्व जैन धर्म की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज की, भारत गौरव आचार्य देशभूषण महाराज की, परम पूज प्रातस्मरण गुरुदेवाचार्य बाहुबली मुनिराज की, परम पूज आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, संत श्रोमण गुरु विद्यासागर महाराज की, परम पूज आचार्य सुध सागर जी महाराज की, गणी ज्ञानमती माता जी की, अर्का गणी श्री जिंदेवी माता जी की, दश लक्षण महापर्व की, रत्नात्रय महापर्व की जय। हे ज्ञानी चेतन आत्माओं, मेरा वही क्वेश्चन फिर है कि महावीर जयंती मनाओ या मानो, मनाओ या मानो, विचार कीजिए। अनादि काल से हमने जब से जन्म लिया, हम महावीर जयंती को मनाने के लिए तत्पर रहे हैं, मानने के लिए कब तैयार हुए हैं, विचार करना है। भगवान महावीर का जन्म, जैसे कि हम ये जन्म जयंती 2621 नंबर की मना रहे हैं ना भैया, हैं तो लगभग 2620 वर्ष पूर्व उनका जन्म हो चुका। आपके जन्म जयंती मनाने से भगवान का जन्म होने वाला नहीं है, विचार करना। आपके जन्म जयंती मानने से, मन में बसाने से आपका जन्म सुधर जाएगा, ये गारंटी है। आपके अंतरंग में भगवान महावीर स्वामी का वो संदेश, जियो और जेने दो को बसाने मात्र से ही आपके जीवन में, अंतरंग में वो उज्ज्वल प्रकाश प्राप्त हो जाएगा, जिस प्रकाश की प्राप्ति के लिए आपने गर्व अवतरण करके जन्म को प्राप्त किया है। हे ज्ञानी चेतन आत्माओं, धन्य है वो माता तिसला रानी, महाराजा सिद्धार्थ, जिन्होंने ऐसे समय विषम परिस्थितियों में तीर्थंकर प्रभु को भारत की वसुधा पर माता तिसला की कुछी से जन्म दिया, जब हिंसा का तांडव नित्र पूरे भारत की वसुधा पर मचा हुआ था। भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में सर्वप्रथम जियो और जीनो दो का उपदेश दिया, सत्य अहिंसा। और आज जैसी कि दशलक्षण के पावन पर्वों में त्रयोदशी का दिन है, तो आकिंचन का धर्म है, अर्थात अपरिग्रह का उपदेश दिया। समस्याओं का निदान यहीं से शुरू हो जाता है। आप अपरिग्रही बनिए, स्वावलंबी बनिए, परोपकारी बनिए, आपके जीवन में समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कौन करे, कर्ता कौन है, ये विचार करना है। भगवान महावीर स्वामी इतने उपदेश देकर के आज हम बड़े रूप में महावीर उत्सव को मना रहे हैं, क्या हम मान रहे हैं, विचार करना है। अरबों खरबों रुपए का द्रव्य जन्मोत्सव आदि में, बड़े बड़े भवनों में मना करके, पोर्टर पिक्चर को दिखा करके, क्या हमें प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम उस समाज के अनुयायी हैं जहां ऐसे ही व्यर्थ में हम वेस्टेज करते रहेंगे? नहीं, हम उस समाज के अनुयायी हैं जहां पर बने जहां तक इस जीवन में, बोलो बने जहां तक इस जीवन में, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरे। हम इस धर्म के अनुयायी हैं, अर्थात जो बढ़ रहा है उसके बढ़ने में सहयोगी बने, परोपकार करें। अरे विचार कीजिए, वो है चंदन वाला, जब कैसा किसी एक दिन राजा चेटक की पुत्री चंदना कीड़ा में आसक्त थी, उसे किसी विद्याधर उठाकर ले गए, उसकी अपनी स्त्री के डर से उसे भयंकर वन में छोड़ दिया, और वहां भील ने देखकर उसे अपने साथ ले जाकर धन की इच्छा से विषभदत्त सेठ को सौंप दिया था,
उस सेठ की पत्नी सुप्रदा ने उस सेठ से संबंध ना हो जावे, इस आशंका से मिट्टी के सकोरे में कोजी में मिलाकर कोदों का भात दिया करती थी। क्रोध बस उसे साकल में भी बांध दिया था। आपको किसी ने साकल में बांध रखा है क्या? विचार करो। अरे आपके ऊपर क्या परीक्षा ली जा रही है? आप तो चारों तरफ से स्वतंत्र हैं, लगता है जो पूर्वजों ने पुरुषार्थ किया है वो आपके लिए ही किया है, पर इस स्वतंत्रता में इतने मग्न मत हो जाना कि हम अपने धर्म को, हम अपने कर्तव्य को, हम अपने कार्य शैली को, अपने जीवन जीने की शैली को या अपने आचरण को इस तरह से बना लें कि हमें बाद में पीछे मुड़कर देखें तो समस्याएं ही समस्याएं दिखाई दें, समाधान कहीं ना दिखाई दे। इस तरह का हमारा धर्म नहीं कहता। हमारा धर्म कहता है आइए जीवन शैली को इस तरह से सरल बनाएं कि आप आगे बढ़ जाएं, पीछे देखने की जरूरत ना पड़े, और इस तरह से रत्नातर रूपी धर्म रूपी गंगा में स्नान करके आगे बढ़े कि मोक्ष रूपी लक्ष्मी आपको सामने दिखाई पड़े। ये हमारा धर्म कहता है। लेकिन कौन देखे? बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलियो, जो घर दाखो आपनो मुझसे बुरा ना कोई। विचार करना है कि हम कितने अच्छे हैं, कितना हमने अच्छा किया है। मैंने पुनः कहा है अच्छे कार्यों का स्मरण करने से पॉजिटिवता प्राप्त होती है। वो चंदन वाला जो कि कैसा, कौशाम्बी नगरी में आहारात भगवान महावीर स्वामी उस समय आए थे, नगरी में प्रवेश कर देखते हैं चंदना उनके सामने जाने लगी, उसी समय उसके साकल के सब बंधन टूट गए और मुड़ाए हुए सिर पर केस आ गए, वस्त्रावरण से वो सुंदर हो गई, भक्तिभार से झुक करके नवदा भक्ति कर करके भगवान को आहार देती है और अपना भाव सुधार लेती है। विचार करो आपने क्या दिया, आपने आज तक धर्म को दिया क्या है, आपने आज तक धर्म को दिया क्या है? धर्म ने आपको क्या नहीं दिया? धर्म ने आपको पहचान दी, धर्म ने आपको वैभव दिया, धर्म ने आपको कुल जाति और यहां तक कि कितना सारा वैभव से आपको सुशोभित कर दिया, पर इस धर्म के लिए आपने क्या किया, क्या दिया? विचार करना है। भगवान महावीर स्वामी अपने उपदेश में यही कहते हैं कि किसी के हृदय को दुखाना, किसी के मन को ठेस पहुंचाना, ये भी धर्म नहीं है, ये भी धर्म नहीं है। आवश्यकताओं से अधिक परिग्रह का संचरण कर लेना, ये भी धर्म नहीं है। अपरग्रही, भगवान ने अपने संदेश में उपदेश में कहा है जितनी आवश्यकता उतना संचरण करिए और जो आवश्यक नहीं है वो किसी दूर को, दूसरे को आप प्रदान कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने भी तो अपना जीवन इसीलिए जिया है कि मैं, एक समय ऐसा आएगा कि मैं सबको छोड़ करके, गृहस्थ आश्रम को त्याग करके, वनचरण करके, दीक्षा धारण करके, कुछ समय के लिए त्याग तपस्या करके अपने भाव का सुधार कर लूंगा। बहुत सुंदरता से इस महोत्सव का संचालन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत विगत कई वर्षों से निरंतर चल रहा है। बीच में हम सबके अंतराय कर्म के उदय से असाध्य जो बीमारी का प्रकोप रहा कोरोना काल, उस दो वर्षों में हम आपसे एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पाए। बाकी ये दो वर्ष के बाद आज हम सभी बड़े पुण्य के उदय से भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव में उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा करके व्यवस्था समिति के लिए, अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत के लिए, इन कार्यकर्ताओं के लिए, मित्र मंडल के लिए, ऐसे नहीं मुस्कुराकर ऊपर हाथ उठाकर तालियां बजाएं अगर आपको ये कार्यक्रम में आना अच्छा लगा हो तो। अब यहां से एक संकल्प जरूर लेकर जाना, जैन धर्म का श्रावक हमेशा परोपकार के भाव अपने जीवन में पालता है। आज जितने भी सेलिब्रिटी हों, बड़े बड़े हो, चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे कोई भी नेतागण हो, वो जैन कॉलेज जैन स्कूलों से पढ़कर के आगे बढ़े हैं। मुझे आज भी ध्यान है जब एनडीटीवी एडिटर चेयरमैन रजत शर्मा जी से, मुनिषी तनु सागर जी के माध्यम से मैं मिला, तो उन्होंने पहली बार कहा कि मैं पहाड़ जो जैन स्कूल है उससे पढ़कर के निकला हूं। आज भारत में कहीं अगर अच्छी शिक्षा प्रणाली को हम सभी देते हैं तो वो जैन समाज देता है, जहां पर कैसा हमारे बच्चे पढ़कर के आगे बढ़ते हैं,
आज शिक्षा की प्राणी में भगवान महावीर स्वामी के उपदेश को हमें समाहित करना है और अपने धर्म के संस्कारों को संरक्षण भी करना है। ये समय बिखरने का नहीं है, ये समय एक दूसरे को समन्वय बनाकर एक होने का है। बिखरे तो हम कई सालों से ही हैं, बिखरे तो हम कई सालों से, पहले से नहीं बिखरे थे, अभी कुछ सालों से ही। जैसे कि भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती की तुलना अन्य लोगों की जयंती से करना, ये धर्म में आतंकवाद फैलाने का काम नहीं करना है। ये सबको पता है, भगवान महावीर स्वामी जो जन्म कल्याणक को प्राप्त हुए हैं, जन्म जयंती उनकी ही मनाई जाती है जिनने जन्म को जीत लिया हो। जिन्होंने अपने जन्म को जीत लिया हो, अब दूसरा जन्म उनका जीने को बाकी ना रहा हो, जन्म की जो यात्रा थी वह विराम हो चुका हो और वो भगवान महावीर स्वामी ने प्राप्त किया है, इसलिए उनके जन्म जयंती उत्सव भी उचित है, जन्म कल्याणक महोत्सव भी उचित है। इसमें कहीं वाद विवाद का हमें उपदेश नहीं रखना है। संविधान में भारत के जब कैलेंडर का निर्माण होता है तो जन्म जयंती शब्द से ही आपको हॉलीडे प्राप्त होता है। अन्य संपदाओं में जन्म कल्याणक क्या है विस्तार से उन्हें नहीं पता है, तो जन्म जयंती अगर हम उन्हें बोल देते हैं और अगर वो बोल दें तो इसमें हमें कोई क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, ना अपने ज्ञानवान होने का परिचय देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजों का इशू बना करके ही आज हम मुट्ठी भर रह गए, अपनी खुद खोलते हैं बाद में, फिर बाद में सिलने के लिए ढूंढते हैं। विचार करना है, बुरा लगेगा ये बात, तो हमें अपनी बात को अपने पास रखना है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। भगवान महावीर स्वामी चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आज जन्म कल्याणक को प्राप्त हुए हैं, 2621वें वर्ष को हम आज जन्म जयंती के रूप में मना रहे हैं। अगर आज के दिन एक छोटा सा संकल्प जो पूर्वा भील ने किया था कि मद मांस मधु का त्याग मैं करता हूँ, आज मैं कहता हूँ वो जरूरी नहीं है कोई 60 साल का हो, कोई 80 साल का हो, 70 साल का हो, 8 साल का हो, आज छोटा सा नियम ले लें। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो हे भगवान, हम सभी जितना बनेगा अपने द्वारा अपने से असहाय लोगों का सहयोग जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जितना बनेगा। अगर इतना भी आपने कर लिया तो आपका जैन कुल में, जैन धर्म में आना सार्थक हो जाएगा। जो हर लें भव की पीर, जो हर लें भव की पीर, वही है महावीर। जो हर लेते हैं भव भव की पीर, वही है महावीर। दुनिया में आकर के दुनिया से यूं तो चले जाते हैं लोग, जो इंद्रियों को जीत लें, जो इंद्रियों को जीत लें, वही है महावीर, वही है महावीर। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को मैं इस जन्म जयंती के महोत्सव पर आप सभी के माध्यम से अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत दिल्ली की वह गौरव संस्था जिसने अनेक ऐसे कार्य किए हैं, समय समय पर जब जैनत्व को आवश्यकता हुई इन्होंने अपना उपदेश अपना संदेश पहुंचाया है। आइए इस माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अभी बहुत सारी व्यवस्था। हाथ जोड़ें सभी लोग, वीर जयंती मनाएंगे महावीर जयंती गाएंगे, वीर जयंती मनाएंगे महावीर जयंती गाएंगे। बोलिए जियो और जीने दो सबको ये संदेश सुनाए, दोनों हाथ खोलकर ऊपर उठाकर, जियो और जीने दो सबको ये संदेश सुनाएंगे, महावीर के संदेश में, महावीर के ही संदेश में शांति है समाई रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसी भाव से ये भगवान महावीर स्वामी का जन्म उत्सव हम सभी के लिए मंगलमय होगा, कल्याणकारी होगा। आप सभी के जीवन में भी जन्म के 10 अतिशयों की तरह अतिशयकारी होगा। इस भाव के साथ आप सभी को पुनः मेरे तरफ से, मेरे परिवार, जितनी भी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, स्वाध्याय सेवा संगठन, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्रीय परिषद, युवा परिषद, जैन ज्योतिषाचार्य परिषद, या जो भी संस्थाओं से हों,
उन सब की तरफ से भी और अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत मित्र मंडल की तरफ से भी कोटि कोटि सब बधाइयां, लख लख बधाइयां महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। ओम शांति, जावाणी की शांति। लीजिए आगे का संचालन। अभी विराजमान होंगी जिन माता अपने स्थान के ऊपर, हाँ, जावाणी के ज्ञान, उसके बाद जावाणी के लोग के अंदर स्तुति के बाद वो लोग विवेक भैया। हेलो हेलो, विराजमान कर दें। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, जो वाणी मस्तक धरे सदा दे तुहूं दो, ये जिन वाणी मात का जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जो बोले दासंग में जिनवाणी माता की, एवं श्रीमान सतीश जी जैन और हमारे बाबूजी श्रीमान चक्रेश जी जैन, उनको माला अर्पण कर उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी अगर प्रायोरिटी पर देकर, अपनी प्रायोरिटी पर हमारे हमें समय देकर इसी प्रकार से इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच जंगपुरा के विधायक साहब श्रीमान प्रवीण जी जैन देशमुख भी हमारे एरिया है, वो भी जंगपुरा के अंडर ही आता है। तो और आप जिस पंडाल में आज बैठे हैं, इस पंडाल की परमिशन वगैरह को जो सक्सेसफुल एक कार्य बनाया है उसमें हमारे प्रवीण जी का बहुत तन मन धन से सहयोग रहा है, पवन जी का भी उसी कार्य में हमारा बहुत सहयोग रहा है। हम आशा करते हैं कि हमें नेताजी का आगे भी भविष्य काल में इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। एक बार जोरदार कर्ता ध्वनि से हम श्रीमान पवन जी जैन साहब का, पवन शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोलो भगवान महावीर स्वामी की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चक्रेश जैन जी, सबके प्रिय, तमाम कमेटी के साथी सतेंद्र जी, तमाम आए हुए सारे गणमान्य जैन समाज के और बाकी समाज के आए हुए सारे साथियों को, सारे बच्चों को, माताओं को, बुजुर्गों को, मेरी तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से भगवान महावीर जी की जन्मतिथि पर, जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे गुरुजी जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दीपक जी जो है वो दे रहे थे और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन मसला ये होता है कि जहाँ से प्रवचन चलते और जैसे वो पंडाल के बाहर जाते सारे प्रवचन यहीं के यहीं खत्म हो जाते हैं। और मैंने बचपन से एक चीज़ देखी और एक चीज़ सीखी है, चाहे वो किताब हो, चाहे वो प्रवचन हो, चाहे कोई भी तरीका हो जिससे कुछ सीखने को मिले, अगर वो आधे घंटे का प्रवचन है और अगर हमने आधे मिनट भी उससे अगर एक शब्द भी पकड़ के अपने घर ले गए और घर ले जाने के बाद में अपने जीवन में उतार लिया, तो समझ लीजिए वो दीपक जी के प्रवचन भी सक्सेसफुल है, भगवान महावीर जी की जो आत्मा है उन्हें भी तृप्ति मिलेगी, उनका आशीर्वाद भी हमेशा बना रहेगा और अपने जीवन में जो सुधार होगा उसकी तो क्या कल्पना ही दूर है। सिंधु मैम और साथ में कोई और नहीं, तो इसलिए जो भी प्रवचन है, जो भी बातें हैं, उन सारे सत्कामों को, सत बातों को हम अपने जीवन में अनुकरण करें, जीवन में धारण करें, वो सबसे बड़ी बात है। वो सबसे बड़ी बात है कि एक एक वर्ड को जो है, एक एक शब्द को हम अपने जीवन में, अपने आचरण में लाएं, हम अपने आचरण में लाएंगे तो अपने आप में, अपने आप हमारा परमात्मा से मेल जो है, भगवान महावीर जी से जो मेल है, अपने आप उसका रास्ता जो है वो खुलता जाएगा। कहते हैं ना, पोथी पोथी जग पड़ा पंडित बयान कोई, ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। तो ये
ये तो दोहा जो सबने सुना होगा, लेकिन जो है इस दोहा जो सुन के और जो किताबों में पढ़ के जिन लोगों ने अपने जीवन में इस दोहे को इम्प्लीमेंट कर लिया, इस जो दोहे को अपना लिया अपने जीवन में आचरण में, वही व्यक्ति जो है वो परमात्मा से अपने आप उसका लिंकअप हो जाएगा, अपने आप उस ये दोहा जो है उनका और परमात्मा का मिलन करने में ब्रिज का काम अपने आप करेगा। तो इसलिए आज जो है बहुत पावन दिन है, बहुत बड़ा दिन है, और जैन समाज ने हमेशा जो है सभी को कभी किसी, आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक कभी जैन समाज जो है, जैन धर्म जो है किसी भी इशू क्रिएटेड वाले इशू में कभी नहीं रहा है कहीं पे भी। आज तक मैंने बचपन से लेके इतना बड़ा हो गया हूँ, पॉलिटिक्स में भी हूँ, हर जगह हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि जैन धर्म किसी इशू में आया है, जैन धर्म के किसी व्यक्ति के कारण कोई इशू क्रिएट हुआ है। इसी कारण से भगवान महावीर जी को नमन करते हुए, सारे जैन समाज को नमन करते हुए बहुत बहुत कृतज्ञ रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्माद चल रहा है, खींचातानी चल रही है, इसमें अपने आप में धैर्य बनाने का काम जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भगवान महावीर ने यही सबको सिखाया है कि किस तरीके से जब विषम परिस्थिति हो उस समय किस तरीके धैर्य बनाया जाए और अपने आप को किस तरीके से एक सुनियोजित आचरण में ढाला जाए, ताकि जो है बाकी समाज भी, बाकी धर्म, बाकी समाज भी, बाकी लोग भी, सभी आपके आचरण से जो है वो प्रेरणा ले सके। और भगवान महावीर इसकी जीती जागती पूरी तरीके से मूर्ति है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आचरण को ये करके दिखाया कि किस तरीके से सहनशीलता, किस तरीके से उन्होंने अपने आचरण को ऐसे ढाला कि वो अपने आप में एक दूसरों के लिए एक परिभाषा बन चुके, दूसरों के लिए एक उदाहरण बन चुके। और जैन समाज में हम सबको, पूरे देशवासियों को, पूरे बाकी धर्मों को, सभी लोगों को बहुत सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आप सब ने, जैन समाज के सारे साथियों ने, सारी कमेटी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर हमारे विधायक साहब ने यहाँ पर भावना भाई बनाए रखने में और अहिंसा में हम पूर्ण विश्वास रखते हैं। और इसी प्रकार आज सुबह भी जिस प्रकार से एक प्रकरण आया था गांधी जी का, श्रीमद राजचंद्र जी का, गांधी जी ने भी हमें हमेशा से अहिंसा में रहने का ही उपदेश दिया है। और इस प्रकार से हम बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुपाद के पात्र बनाते हैं श्रीमान प्रवीण जी जैन देशमुख साहब को। और उनसे हम अपनी आशा रखते हैं कि भविष्य में भी जब जब हम उन्हें अपने इस मंच पर आह्वान करेंगे, वो निष्पक्ष हमारे इस मंच पर हमारे बीच उपस्थित होंगे। एक बार जोरदार कर्ता ध्वनि से हमारे विधायक साहब का एवं श्रीमान पवन शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, प्रवीण जी को खास तौर राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। जब बोलो पंच नमस्कार महामंत्र की, जब बोलो अहिंसा में विश्व जैन धर्म की, हां जी चित्र अनावन के लिए एवं दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने साधारण महिला मंडल को और उनकी अध्यक्षा श्रीमती प्रिया जी जैन को, कृपया वे हमारे बीच आए। और साधारण महिला मंडल के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं हम उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हज को मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज देंगे हम, जिन धर्म तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज देंगे हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे, जिन धर्म तुझको मेरा न। अपने प्राणों की बाजी लगा दाव पर, जिसने जिन वाणी माँ को सुरक्षित किया, वाणी माँ को सुरक्षित किया, देह की जननी तो है अनंतों मिली, मुक्ति जननी का सम्मान रक्षित किया, मुक्ति जननी का सम्मान रक्षित किया,
चाहे अग्नि परीक्षा भी देनी की। और अब अधिक समय ना लेते हुए मैं यह मंच, सदा आनंद बरसता है, और इस अंतिम शाम को नमन करता हुआ अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। यदि आप लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए तो जोरदार तालियां बजा देना। यहां संतों की वाणी है, सदा आनंद बरसता है, और ये बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं, ये बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। और आइए चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की ओर। पंडाल वाले भैया से मैं निवेदन करता हूं, पंडाल की मंच को छोड़कर सारी लाइट बंद कर देवे, मंच को छोड़कर सारी लाइट बंद कर देवे। और नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस सिंधु मैम टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। और आगे की हमारी जो आज की यह सुंदर प्रस्तुति का है, टीले के महावीर, एक बार जोरदार तालियों से हमारी सिंधु मैम का स्वागत एवं अभिनंदन कि वो आए और अपने इस प्रेजेंटेशन से अरे सारे करते आपको वंदन है, पधारे गए अतिथियों को हमारा शत शत वंदन है, पधारे गए अतिथियों को हमारा शत शत वंदन है। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को वर्धमान शिक्षा मंदिर की ओर से सादर जय जिनेंद्र और महावीर भगवान के जन कल्याण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महावीर भगवान के शब्दों में, दूसरों से लड़ना तो बहुत आसान है, अपने आप से लड़ना, युद्ध करना बहुत ही कठिन है। मनुष्य सब जगह जीत जाता है, सारी दुनिया जीत सकता है, परंतु अपने ही सामने हार जाता है। महावीर भगवान के सिद्धांतों के अनुसार वो ही श्रेष्ठ है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर चुका है। तो चलिए अपनी श्रेष्ठता अपने पर विजय प्राप्त करने में सिद्ध करें और आज के मंगल कार्यक्रम की शुरुआत अपने मंगलाचरण से करें। मंगलाचरण से करें।
दीक्षा लेके तप करना तप कल्याणक, केवल लक्ष्मी की उत्पत्ति ज्ञान कल्याणक और निर्वाण की प्राप्ति को मोक्ष कल्याणक के नाम से जाना जाता है। आज हम यहाँ महावीर भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे हैं और इस शुभ बेला में मंगल नृत्य करने के लिए हम अपने स्कूल के क्लास सेकंड और थर्ड के बच्चों को आमंत्रित करते हैं और हम खुद भी इस मंगल नृत्य में शामिल होंगे और अपना पुण्य अर्जन करेंगे। जाता है ताकि भविष्य में यदि उन्हें अपने जीवन में संयम रखने की आवश्यकता पड़ी तो वो उसका सरलता से पालन कर पाएं। तो अब स्वागत करते हैं हम अपने स्कूल के छोटे छोटे टाइनी टॉट्स को जो कि लॉकडाउन की वजह से 2 साल बाद स्कूल आए और अब स्टेज पर आकर अब हम सबका मनोरंजन करेंगे। तो डबल राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस टाइनी टॉट्स।
ऑडियंस बैठी है उनको प्रोग्राम देखने में डिस्टर्बेंस हो रही है, सभी से मेरा निवेदन है जितने भी हमारे पेरेंट्स बीच में खड़े हैं सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठकर ये वीडियोस फोटो खड़ा और ना आ जाए स्टेज के पास। की सीमा में एक हिंडोन शहर है जिसमें एक छोटा सा गांव चांदनपुर के नाम से जाना जाता है। उस गांव में एक ग्वाला रहता था जिसका नाम कृपानाथ था। उसकी एक प्यारी सी गाय थी, वो उसी के साथ मग्न रहता था। अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ वो अपने दिन आराम से व्यतीत कर रहा था। गाय का दूध बेचकर ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके घर से कुछ दूर ही एक जंगल था जहां उसकी गाय चरने जाती थी और शाम को घर लौट आती थी। जंगल में एक ऊंचा टीला था जो दूर से ही दिखाई देता था। गाय का मन उस ऊंचे टीले पर चढ़ने के लिए ललचाता था। एक दिन मौका पाकर गाय उस टीले पर चढ़ गई और देखते ही देखते उसके थनों से दूध झर झर करके गिरने लगा। वो शांत भाव से वहीं खड़ी रही। जब गाय शाम होने पर घर वापस आई तो ग्वाला रोज की भांति उसे दुहने लगा, लेकिन उसके थनों से एक बूंद भी दूध नहीं निकला। ये देखकर ग्वाले को बहुत आश्चर्य हुआ, वो उदास हो गया। उसे ये चिंता सताने लगी कि आखिर उसकी गाय का दूध किसने चुराया है, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। इसी चिंता में रात बीत गई। अगले दिन ग्वाला गाय का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचा। उसने पेड़ के पीछे छिपकर सारा दृश्य देखा कि गाय उस टीले पर खड़ी है और दूध अपने आकर उसने सारा किस्सा ग्वालन को बताया। अरे आप आ गए, लो नाथ पानी पी लो। लाओ लाओ। अरे सुखिया आज तो गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? जब मैं अपनी गाय के पीछे पीछे देखने गया कि कौन है वो दूध चोर जो हमारी गाय का दूध चुराता है, तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ फिर, क्या तुमने दूध चोर को पकड़ लिया? अरे भगवान, दूध चोर कहाँ पकड़ा गया, वो कोई इंसान नहीं है, वो तो कोई देव माया है। देव माया? हाय राम, देव माया? हाँ देव माया। अरे जंगल में वो ऊंचा टीला है ना जिसको सब देव का टीला कहते हैं, उसी के ऊपर चढ़कर चल रही थी हमारी गाय। अपने आप ही उसके थनों से दूध गिरने लगा और उस टीले में जाने लगा। उस टीले में जरूर कोई देव माया है। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर इसी तरह हमारी गाय का दूध रोज चोरी होने लगा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। अरे बावली, तू क्यों घबराती है, जा फावड़ा ला, अभी जाता हूँ उस टीले को खोदने के लिए। जी अभी लाई। तब तक मैं जूते डाल लूं। ग्वाला भगवान का नाम लेकर टीले पर चढ़ जाता है। वो अपनी सुध बुध खोकर टीला खोदने लगता है। आधा टीला खोदने के बाद भी उसे कुछ नजर नहीं आता। मायूस होकर वो अपने घर आ जाता है। आप आ गए। अच्छा मैं कह रही थी एक और रोटी दूं? नहीं नहीं मन नहीं है। क्या हुआ नाथ, इतनी उदासी क्यों है आपके चेहरे पर? ना तो कल से आपने कुछ खाया पिया है, ना ही ठीक से सो पा रहे हैं, और आप बहुत थके हुए भी लग रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है किसी की बुरी नजर हमारे परिवार पर लगी है। ओहो, तू व्यर्थ की चिंता में समय नष्ट मत कर, मुझे भूख नहीं है। जा मेरा फावड़ा ला और टीले की तरफ चल, आज इस टीले का रहस्य मैं पता लगा कर ही रहूंगा। जी जी अभी लाइए।
हाथ फावड़ा लेकर ग्वाला जंगल में आ जाता है। नाम लिया भगवान का उसने टीले पर चढ़ जाता है। लगा खोदने टीले को वो सुधबुद अपनी गवाता है। आधा टीला खोद हटाया नजर नहीं कुछ आता है। भगवान सुबह से टीला खोदते खोदते रात हो गई है लेकिन अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आया। नाथ आप दिन भर के थके हो, अब घर चलकर आराम कर लो, कल फिर यहाँ आ जाएंगे। ग्वालन की बात मानकर ग्वाला अनमनी मन से घर वापस आ जाता है और दिन भर का थका होने के कारण उसे नींद आ जाती है और रात्रि में उसे एक स्वप्न दिखाई देता है। हे ग्वाले, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुझे उसका फल जरूर मिलेगा, तेरा संचय मिट जाएगा। तू धीरे धीरे टीले को खोदना, क्योंकि उसमें प्रभु विराजे हैं, भगवान महावीर की मूर्ति उसमें विराजमान है। महावीर जी। अरे नाथ, क्या हुआ? क्या कोई स्वप्न देखा जो इतनी जल्दी उठ गए? हाँ भगवान, मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें मुझे कोई आकृति नहीं बल्कि एक दिव्य आवाज सुनाई दी कि उस टीले में कोई चोर नहीं बल्कि भगवान महावीर की मूरत है। चलो चलो टीले की ओर चलते हैं। प्रातः काल में उठकर ग्वाला बालक संग में ग्वालन को और जंगल में जा पहुंचा है उस टीले को खोदने को। टीला खोदते खोदते उन्हें स्वप्न के अनुसार मूर्ति का सिर दिखाई दिया जिसे देखकर ग्वाला और उसका परिवार भाव विभोर हो उठा और फावड़ा छोड़कर हाथों से मिट्टी हटाने लगा और शीघ्र ही टीले में विराजी मूर्ति को बाहर निकाल लिया गया। वे सब जोर जोर से जय जयकार करने लगे और भक्ति में नाचने गाने लगे। भगवान महावीर की सुंदर मूर्ति, कितनी मनोरम मूर्ति है ये! सचमुच इतनी सुंदर मूर्ति! भगवान महावीर की जय! भगवान महावीर की जय! महावीर स्वामी की जय! महावीर थोड़ा ध्यान दीजिए, भक्तों पे महावीर थोड़ा ध्यान दीजिए, चरणों में सिर झुकाएं ये वरदान दीजिए। भक्तों पे महावीर थोड़ा ध्यान दीजिए, भक्तों पे महावीर थोड़ा ध्यान दीजिए, चरणों में सिर झुकाएं ये वरदान दीजिए। हमको भी भाव भक्ति का
भाव भक्ति का वरदान दीजिए, हमको भी भाव भक्ति का वरदान दीजिए। षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहकर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। जो बोलो दासांगमय जिनवानी माता की। और इस प्रकार आप सभी के बीच हमारे इस भव से कर गई, देकर आहार वीर को इस भव से कर गई, हमको भी एक बार, हमको भी एक बार अपना दर्श दीजिए, हमको भी एक बार अपना दर्श दीजिए। करूं भजन हमें ज्ञान दीजिए, आरती करूं भजन हमें ज्ञान दीजिए। भक्तों पे महावीर थोड़ा ध्यान दीजिए, भक्तों पे महावीर थोड़ा ध्यान दीजिए। भगवान तुमने ठीक कहा, हम इस मूर्ति को अपने साथ घर ले जाएंगे, वहीं इनकी सेवा करेंगे। अरे भाई कृपानाथ, कितनी मनोहर प्रतिमा है ये, हमारे तो सचमुच भाग्य ही जाग गए जो हमने इनके दर्शन किए। हाँ भाई, मैं तो सचमुच इनके दर्शन पाकर निहाल हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे तो सारे संसार की पूंजी मिल गई है। इसे तो मैं अपने घर ले जाऊंगा और अपनी गाय के दूध से रोज इसका स्नान करवाऊंगा और रोज अभिषेक करूंगा। चलो भाइयों, सब मिलकर हाथ लगाओ और इस मूर्ति को मेरे घर ले जाने में मेरी मदद करो। हाँ भाई, इस मूर्ति को अपने अपने सर पर रखकर हम तुम्हारे घर ले चलते हैं। तीन चार ग्रामीण मिलकर जोर लगाते हैं, परंतु मूर्ति अपने स्थान से नहीं हिलती। अरे भाई, ये मूर्ति तो अपने स्थान से हिल ही नहीं रही है। हाँ भाई, अपने स्थान से हिल ही नहीं रही। मैं तो जोर लगाकर थक गया, लेकिन ये हिलती ही नहीं। हाँ भाई, दूध भी चुराती है और शक्ति भी दिखाती है। चलो, जब ये मूर्ति यहाँ से जाना ही नहीं चाहती तो क्या करें? भाई कृपा, अब तू क्या करेगा? मेरे मन में तो विचार आया है कि मैं यहीं अपना छप्पर डाल कर रहूं। अब तो इस मूर्ति से दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। Thank you.
क्योंकि मूर्ति अपने स्थान से नहीं हिली, इसलिए ग्वाले ने वहीं छप्पर डालकर देवता का स्थान बना दिया और वहीं अपनी झोपड़ी डालकर परिवार के साथ रहने लगा। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर दूध से प्रतिदिन मूर्ति का अभिषेक करना और सायंकाल घी का दीपक जलाना उसका प्रतिदिन का नियम बन गया था। धीरे धीरे गांव के लोग वहां आने लगे। अपनी अपनी विपदा और अपने अपने कष्ट भगवान को सुनाते और मुंह मांगी मुरादे पाते। उनकी सभी कामनाएं प्रभु की कृपा से पूरी होने लगी। धीरे धीरे मूर्ति की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। जो भी सुनता दर्शन के लिए चला आता। टीले से प्रतिमा का प्रकट होना सचमुच चमत्कार था। ये चमत्कारी घटना जयपुर के सेठ अमरचंद के कानों में भी पड़ी। वो भी अपनी पत्नी के साथ मूर्ति के दर्शन करने आए। नाथ, क्या ये वही मूर्ति है जिसके बारे में आप मुझसे सदैव चर्चा किया करते हैं? अरे हाँ सेठानी, ये वही मूर्ति है जिसने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे। सचमुच नाथ, हमारे धन्य भाग जो भगवान महावीर ने आपको स्वप्न में दर्शन दिए। सेठ जी आप क्या कह रहे हैं, हमारी इस मूर्ति ने आपको सपने में दर्शन दिए? अरे भाई, ये मूर्ति हमारी या तुम्हारी नहीं है, ये तो वीतरागी जैन भगवान महावीर की प्रतिमा है। इनके लिए ये स्थान उचित नहीं है भाई, इनकी पूजन विधि मंदिर में ही संपन्न होती है। स्वप्न अनुसार मैं इनके लिए एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण कराना चाहता हूँ, वहीं इस मूर्ति को स्थापित करेंगे। ये कहकर सेठ अमरचंद वहां से चला जाता है। मुझे तो पता है भगवान, कोई कितना ही बड़ा मंदिर क्यों ना बनवाए, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, मुझे पूरा विश्वास है। कुछ समय बाद सेठ अमरचंद एक विशाल मंदिर का निर्माण कराते हैं और फिर मूर्ति को लेने वापस ग्वाले के पास आते हैं। भाई कृपा, सेठ जी मूर्ति को लेने आ रहे हैं अपने श्रावकों के साथ। हे प्रभु, तुमने ये क्या ठानी है? जब तुम टीले के अंदर थे तब कोई नहीं आया था तुम्हें निकालने। मैंने तुम्हें टीला खोद कर निकाला और नित्य प्रति दूध भी चढ़ाया, रोज तुम्हारी आरती भी की थी, और आज तुम मुझे छोड़कर जाने को तैयार हो? क्या मेरी भक्ति का यही फल है? मेरी झोपड़ी तुम्हें नहीं भाई, तुम्हें तो मंदिर अच्छा लगा। तुमने मुझे आज ये बता दिया है कि गरीब का जग में कोई नहीं होता। का विधान है, मूर्ति तो मंदिर में ही स्थापित होती है, नहीं तो इसकी अवहेलना मानी जाती है। चलो भाइयों, मूर्ति को गाड़ी में विराजमान करके मंदिर की ओर ले चलो। सेठ अमरचंद के कहने पर सभी श्रावकों ने मूर्ति को गाड़ी में रखा और मंदिर की ओर ले जाने के लिए गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहा। परंतु ग्वाले का रोना देखकर प्रभु ने चमत्कार दिखलाया। ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? हेलो, एक गाड़ी DL8C AP2396 भूखे हैं और थके हुए भी। अरे इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ।
पुत्री गाड़ी तो अभी भी आगे नहीं बढ़ रही। हे भगवान, हमसे क्या भूल हो गई है जो तुम मंदिर में नहीं जाना चाहते? क्यों तुम भक्तों को आजमाते हो, उनकी इतनी कठिन परीक्षा लेते हो? जब तक मेरा भक्त ग्वाला इस गाड़ी को धक्का नहीं लगाएगा, यह गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ग्वाला को बुलाओ, ग्वाला कहाँ है? अरे भाई कृपानाथ, आगे आओ और गाड़ी को हाथ लगाओ। एक गाड़ी DL8CAP2396, ये जिसकी भी गाड़ी हो, बाहर पुलिस क्रेन ड्रॉप करके ले जा रही है गाड़ी। 2396 तो इनसे लॉ लग गई है, अब तो इनके बिना एक पल भी रह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। भाई कृपा, हम तेरे लिए यहाँ एक छतरी का निर्माण करवा देते हैं, उसका जो भी चढ़ावा आएगा वो तुम्हारे परिवार को ही मिलेगा, और ये छतरी भगवान की चरण छतरी के रूप में यहाँ पर स्थापित रहेगी। चलिए प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, गाड़ी को मैं भी हाथ लगा देता हूँ। ग्वाला आगे बढ़कर गाड़ी को हाथ लगाता है और गाड़ी तुरंत आगे बढ़ जाती है। और भगवान की जय जयकार होने लगती है। भगवान महावीर की जय! 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 हे भगवान, तुम मुझ पर इतनी सी दया करना कि यदि मैं तुम्हें भूल भी जाऊं, लेकिन तुम मुझे मत भूलना। चलती हुई गाड़ी को देखकर सब मन में खुशी मनाते हैं, नाचते झूमते गाते मंदिर की ओर जाते हैं। प्रतिमा को मंदिर में विराजमान रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मा, लाल लाल उड़े रे गुलाल प्रभु जी तने घणी रे खमा, जीनो जीनो उड़े रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मा। मोहनी मूरत लागे प्यारी, मोहनी मूरत हे, मोहनी मूरत लागे प्यारी, मोहनी मूरत लागे प्यारी, मोहनी मूरत लागे प्यारी, त्रण लोक नाना प्रभु जी तने घणी रे खमा, झीणो 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 उड़े रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मा, झीणो झीणो उड़े रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मा।
चरण तारा आव्या प्रभु जी चरण तारा हे चरण तारा आव्या प्रभु जी तारो ने तारण हार प्रभु जी तने घणी रे खमा झीणो 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 उड़े रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मा झीणो झीणो उड़े रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मा समवसरण मा आप बिराजो समवसरण मा हे समवसरण मा आप बिराजो समवसरण मा आप बिराजो समवसरण मा आप बिराजो हे मुक्ति राधाता प्रभु जी तने घणी रे खमा झीणो 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 उड़े रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मा झीणो 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 उड़े रे गुलाल प्रभु जी थारा मंदिर मा। वो राजा के सिपाही सालारों के साथ उसी रास्ते से चले आ रहे थे। रास्ते में जब उन्होंने मंदिर देखा और भक्तों का आवागमन देखा तो एक व्यक्ति को रोककर उससे पूछा, महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय। अरे भाई, ये भीड़ कैसी है और तुम ये किसकी जय जयकार कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम भैया, टीले से एक मूरत निकली थी जो मंदिर में विराजमान है, बड़ी ही चमत्कारी है। जो सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है अवश्य पूरी होती है। महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय। फिर तो मैं उस मूरत के दर्शन अवश्य ही करूंगा और उसी के चरणों में ही अपना दुखड़ा सुनाऊंगा। भगवन में
बनवाऊंगा। हे प्रभु, तुम अंतर्यामी हो, तुम सत्य पर आंच नहीं आने देते हो। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, तुम मेरे जैसे निर्बल को सहारा देने वाले हो। मैंने तो अपने जीवन का निर्णय आप पर छोड़ दिया है। मुझे पता है आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहेगा। जयपुर नरेश अपने दरबार में नृत्य कला का आनंद ले रहे थे। जय हो महाराज, आपके हुक्म के अनुसार हम जोधराज को पकड़ कर ले आए हैं। क्या हम उसे आपके समक्ष लाएं या कैद खाने में डाल दें? जोधराज को तो मैंने बहुत सत्यवादी समझा था, परंतु ये तो बहुत ही धूर्त व देशद्रोही निकला। सत्यवचन कहा महाराज आपने, ये तो वही बात हुई कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। आपके सामने तो बहुत ही नेक और ईमानदार होने का नाटक करता है, परंतु वास्तव में वो है बहुत षड्यंत्रकारी। महाराज, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन न करें। एक बार आप स्वयं फिर से इस जोधराज के चरित्र को परख लीजिए, उसके बाद ही कुछ निर्णय लीजिए। तुम ये क्या कह रही हो? मुझ जैसे पराक्रमी राजा के साथ रहकर भी क्या तुम्हें मेरे न्याय पर विश्वास नहीं है? नहीं महाराज, मुझे आपके न्याय पर पूर्ण विश्वास है, किंतु फिर भी। नहीं महारानी, मेरा निर्णय अटल है और मैं जोधराज को पूर्ण दोषी ही मानता हूँ। जी हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हैं, आप कभी कोई गलत न्याय कर ही नहीं सकते। महाराज, आप तो न्याय करने में सत्यप्रिय युधिष्ठिर के समान हैं। हम सब तो धन्य है आप जैसा राजा पाकर। मेरे राज्य में अपराध करने वाले को दंड अवश्य ही मिलेगा। जो भी इस राज्य में मेरे विरुद्ध आवाज उठाएगा, उसे मेरे कोप का पात्र बनना ही पड़ेगा। महाराज, क्या जोधराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाएंगे आप? आजीवन कारावास नहीं, बल्कि उसे तो मैं तोप के गोले से उड़ाने का हुक्म सुनाता हूँ। जाओ सैनिकों, उसे मेरे सामने तोप से उड़ा दो। ये क्या कह रहे हैं आप महाराज? तोप से उड़ाने का हुक्म? एक बार फिर से विचार कर लीजिए। नहीं रानी, ये मेरा अंतिम निर्णय है। सैनिकों, जाओ जोधराज को यहाँ लाकर बांध दो और तोप से उड़ा दो। मेरे हुक्म का शीघ्र पालन होना चाहिए। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मंत्री जोधराज को हथकड़ी बेड़ियों में जकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। राजा ने तोप चलाने वाले को भी प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सैनिक तोप लेकर बड़े बड़े गोलों सहित वहां आ गए। जोधराज, तुमने आजीवन मेरी सेवा की है, ईमानदार भी रहे हो, परंतु अब जिस कारण से तुम्हें सजा दी जा रही है, उससे निर्दोष रहने में तुम पूर्णतया असमर्थ रहे हो। हाँ,
इस समय यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ, उसे हम अवश्य पूरा करेंगे। महाराज, इस समय को मैं अपना अंतिम समय जानकर केवल भगवान महावीर का ही स्मरण करूंगा। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाशिचिदचिता समं भांति द्रव्य व्यय जनिल संतो तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। महावीराष्टकम् स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुना कृतम् यः पठेत् शृणुया चापि स याति परमां गतिम्। चला तोप से गोला आकर पैरों में पड़ जाता है, देख के हैरत से ये तोपची दूसरा गोला चलाता है। अरे ये क्या हुआ, तोप का गोला तो ठंडा हो गया, ये तो इनके चरणों में गिर पड़ा है। हाँ सचमुच, परंतु हो सकता है कि ये गोला ही प्रभावी ना हो। चलो दूसरा गोला चलाते हैं, देखते हैं कि ये कैसे निष्क्रिय होता है। चला दूसरा गोला, वो भी तन को छू ना पाता है, ज्योतिराज दीवान के पैरों में ठंडा पड़ जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है। अरे ये तो सचमुच चमत्कार है, चलो महाराज से पूछते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमने मंत्री जी पर दो गोले दागे, परंतु दोनों ही गोले ठंडे होकर उनके पैरों पर गिर गए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो, दोनों गोले ठंडे पड़ गए? हम स्वयं चलकर देखते हैं। अब हम स्वयं ही गोला दागेंगे, देखता हूँ कैसे ठंडा पड़ता है। अरे ये तो सचमुच ठंडा पड़ गया, ये कैसा चमत्कार है, ये कैसी माया है, तीन गोले चलाए और सभी ठंडे पड़ गए। जोधराज, मुझे ये आभास हो गया है कि अवश्य ही तुम्हारे ऊपर किसी दिव्य शक्ति का हाथ है जिसने हमारे सभी प्रयास असफल कर दिए।
और इस संकट की घड़ी में तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। राजन, आप स्वयं को दोषी न माने, आपको जो उचित लगा वो आपने किया। मैंने तो अपनी करुण पुकार टीले वाले बाबा के सम्मुख की थी, उन्होंने ही मेरे प्राणों की रक्षा की है। टीले वाले बाबा, वो कौन है? जंगल के रास्ते में एक ऊंचा टीला है जिसमें से एक मूर्ति निकली है, जिसने पहले तो जंगल में मंगल कर दिया है और अब वो प्रतिमा चाननपुर गांव के एक मंदिर में स्थापित है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके दर्शन किए और उनके चरणों में अपना दुखड़ा सुनाया कि मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई अपराध नहीं है जो मुझे बंदी बनाया गया है। और राजन, उन्हीं के चरणों में मैंने ये प्रण लिया था कि यदि मैं जीवित रहा तो भगवान महावीर का 3 शिखर का मंदिर बनवाऊंगा। हे राजन, केवल दर्शन मात्र से ही इतना बड़ा चमत्कार? मैं तो पहले से ही मानती थी कि जोधराज निर्दोष है, किंतु इनकी भक्ति ने तो मेरी आस्था को और भी प्रबल कर दिया है। हाँ महारानी, उनके दर्शन के लिए तो अब मेरा मन भी व्याकुल हो उठा है। हम अभी चांदनपुर जाएंगे और प्रतिमा के दर्शन करेंगे। जी महाराज। राजा और रानी जोधराज के साथ चांदनपुर गांव जाते हैं और महावीर जी की प्रतिमा के दर्शन करके भक्ति में भाव विभोर हो जाते हैं। नाम है तेरा
राजा भक्ति में इतने अधिक लीन हो गए कि दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने 3 शिखर का मंदिर बनवाया, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई और मंदिर की भव्यता को और बढ़ाया। आज भी प्रतिवर्ष महावीर जयंती के अवसर पर यहाँ 3 दिन का मेला लगता है, जिसमें जैन जैनेतर सभी लोग आते हैं। सभी संप्रदायों की यहाँ आस्था है। लोग नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। भगवान महावीर की मूर्ति को रथ में रखकर गंभीरा नदी के तट पर ले जाया जाता है। उस रथ को आज भी परंपरा अनुसार ग्वाले का वंशज ही खींचता है और तभी रथ आगे बढ़ता है और शाम के समय मंदिर में भव्य आरती का आयोजन होता है। Oh,
साथ साथ हमारे चेयरमैन साहब और डिप्टी चेयरमैन साहब और सोफियाना जी जो उनके साथ हमारी निर्मला जी मिसेस पीते जैन उनका सम्मान कर रही हैं। फिर ये बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे हम लोग कुछ भी समझे लेकिन वो यदि प्रोग्राम को बात करके उनको नहीं बताए तो समय पे मंत्री लोग नहीं पहुंच सकते। बोलिए महावीर भगवान। सर इधर। हाँ जी सर। हमारे चेयरमैन साहब माइनॉरिटी कमीशन के साधिक साहब भगवान महावीर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं अपने से कोशिश करूंगा कि भगवान महावीर का जो संदेश है उसको जिंदगी के अंदर पूरा उतारूं। माइनॉरिटी कमीशन बहुत बड़ा रहे वही फोटो को खराब कर चेयरमैन साहब। ये जो हमारे बच्चे जयंती के शुभ अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप वर्धमान भी कहलाए बचपन में, बाद में आप महावीर भी कहलाए। महावीर का मतलब किसी से इस बात से नहीं होता कि वह तीर से तलवार से किसी को जीते, सबसे बड़ी चीज जीत इस बात की होती है कि आप हिंसा ना करके अहिंसा के रास्ते पे जाकर आप पूरे विश्व को विजय करें, आप हृदय को विजित करें, इसीलिए वो महावीर कहलाए। आप जिनेंद्र भी कहलाए, आपने इंद्रियों पे अपना काबिज किया, जो पांच इंद्रियों पे अपना अपना कंट्रोल कर ले वह जीवन में हमेशा सुख और अच्छी प्राप्ति कर सकता है। आपका संदेश पूरी दुनिया को पूरी दुनिया मानती है, जियो और जीने दो। आपका पैदाइश जब हुई, जब पूरी दुनिया में कहिए पूरे भारतवर्ष के अंदर अहिंसा थी, पशु बलि थी, उन सब के बीच में आपका आना और उस अहिंसा को दूर करना, पशु बलि से इस भारत को मुक्त कराना, ये महावीर भगवान महावीर जी का संदेश था। उस संदेश को हर मनुष्य को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। जब ये संदेश हम अपने जीवन में उतार लेंगे ये भारतवर्ष पूरे दुनिया के अंदर सबसे आगे होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से हम माइनॉरिटीज़ के सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, किसी भी बच्चे को स्कूल के एडमिशन्स के लिए या कहीं के लिए भी माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो निसंकोच होके आप माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में आइए, किसी तरीके की आपको कोई भी यूँ कहिए कि असुविधा नहीं होगी। मगर मैं अपने जीवन का एक वाक्य ज़रूर बताऊँगा कि मगर जब मैं माउंट आबू गया वहाँ से बहुत सारे हमने तीर्थ मतलब देखे, मगर जब मैं जैन मंदिर गया उस जैन मंदिर को देखने के बाद में मैंने दो चीज़ों का तुलना की, एक ताजमहल की और एक वहाँ के मंदिर की, तो मंदिर के आगे मुझे ताजमहल फीका लगा। और उस मंदिर में जाने के बाद और वहाँ के मैंने दर्शन किए भगवान आदिनाथ, और जिस कोने पर भी खड़े होकर मैंने अपनी गर्दन घुमाई, अपनी नज़र दौड़ाई, वहीं पे मुझे भगवान नज़र आए चारों दिशाओं के अंदर। मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान ही पूरे विश्व के अंदर ऐसा मंदिर होना अपने आप में अनोखा है, और जिस किसी को भी वहाँ जाने का मौका मिले, मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर मुझे दोबारा जाने का मौका मिला सबसे पहले मैं मंदिर जाऊँगा, बाकी बाद में स्थान देखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वो भेंट करेंगे। अब मैं अपने डिप्टी चेयरमैन श्री नीरज शर्मा जी से ही प्रार्थना कर रहे थे हॉर्टिकल्चर का, जहाँ पे हिंसा जरा ज़्यादा होती है उसको कम करो। हमारे चक्री सर, हमारे जितेंद्र जी, पवन भाई और उपस्थित यहाँ मेरी सभी माता बहनें, मेरे भाई, ये जो फंक्शन अभी आपने कराया है ये हमारे इलाके की एक धरोहर है। यहाँ इन बच्चों ने जो भी पूरे उसको पेश किया और इस पूरे नाटक रूपांतरण में जो गंगा जमुनी तहजीब का एक मुजारा देखने को मिला, एक शक्ल देखने को मिली, वो काबिले तारीफ। हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपने आने वाले जो भविष्य हैं उनको अपने भक्ति के, अपने नैतिकता के सारे पाठों का अवगत करा रहे हैं, उनको उसके अंदर चीज़ों को शामिल करा रहे हैं। तो यही हमारे देश की शोभा है, हमारे स्थान की शोभा है कि हम उनको अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं, और बहुत बढ़िया। और यहाँ आके हम खुद सम्मानित और अपने को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, और
इस जगह की सेवाओं को आगे भी हम लेते रहेंगे, ये हमारा आपसे संकल्प है और वादा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैडम का, खासकर जो उन बच्चों ने स्तुति करी थी उसके पीछे वो आपकी मेहनत थी, नहीं वो आपकी मेहनत थी कि जिस तरह से मैं दो दिन से देख रहा था आप यहाँ पर लाकर बच्चों को तैयार कर रही हैं, उनको बता रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर चक्रे जी का, सत्येंद्र जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आप सभी लोगों का, आप सभी को राम महावीर। देखिए आखिरी के अंदर हम अपने बट वृक्ष चक्रेश जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आखिरी के अंदर हम सबका मनोबल बढ़ाते हुए, जिस तरीके से मैं दिन में कहा था कि हम लोग जितना कोयले की तपिश में तपेंगे कुंदन बन के निखरेंगे और अपने समाज का नाम ऊंचा करेंगे, चक्रेश जी से प्रार्थना है कृपा करके। माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष नीरज जी भाई, गला मेरा बैठ बोलते इसलिए नहीं, नहीं बैठने की कोई बात नहीं है, तो बैठ ही गए। अगर बैठ जाते तो रात के 11 बजे ग्राउंड कहाँ से बुक करवाते हैं। तो हमारे माइनॉरिटी कमीशन में जो चेयरमैन है उनके बहुत सारे राइट्स हैं, और जैन समाज क्योंकि माइनॉरिटी में डिक्लेयर कराने का श्रेय मैं अपने आप को क्या दूं, वो कपिल सिब्बल जी और उस टाइम इन लोगों ने बहुत प्रयास हमारा था, लेकिन लेकिन बहुत ग्रांट हो गया स्टेटस और सरकार उसके बाद चली गई, आप जानते हो आखिरी मीटिंग में वही प्रपोजल पास हुआ था मनमोहन सिंह जी से प्राइम मिनिस्टर। तो हम तो आपके वैसे भी जैन खाना इसलिए खाली पड़ा रहता है कि जैनों को ये पता ही नहीं हमारे हक क्या है, दूसरी बात उन्होंने कभी इन चीज़ों का फायदा तो उठाया नहीं, देना जानते हैं लेना जानते नहीं। तो उन्होंने कहा था और भी है कि जितनी दिल्ली के जैन समाज की मतलब की जीडीपी है उतनी पाकिस्तान की बराबर है। अरे ऐसा नहीं है, ये हकीकत बात है। अब आपसे भेंट हुई है तो अभी आगे नहीं, बात ये ना कि एक कहावत है बद अच्छा बदनाम बुरा, है तो उल्टी लेकिन सीधी क्या है, कई जैन लोग शर्म के नहीं आते क्योंकि ये मान्यता है कि जैन लोग पैसे वाले ही होते हैं। अब जमाना बदल गया है, सब लोग सब चारों तरफ अवेलेबल है, तो हमारे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं आप जानते हो, जनगणना में भी माना गया है, और इसके अलावा टैक्स देने कमाएंगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा। इसके लिए मैं सभी पंचायत और जैन मित्र मंडल के मैनेजिंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं मैं उन सभी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, ताकि वो इन सभी बच्चों को जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड और कॉन्सोलेशन प्राइजेस आई हैं उन सभी को सम्मानित करें और उनको प्राइजेस देकर और हमारे जो ये बच्चे हैं उनका उत्साह बढ़ाएं। और आज की इस वर्धमान शिक्षा मंदिर स्कूल की प्रस्तुति से प्रसन्न होकर हमारी श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत ने हमारे वर्धमान स्कूल के लिए 21 काम करते हैं, उनको तो सब लोग पहचानते ही हैं, परंतु बैकएंड में जो एक बैकबोन की तरह काम करते हैं ऐसे हमारे वर्धमान स्कूल की मैनेजर चारुल दीदी यहां पर भी उपस्थित हैं, उनको मैं आगे आमंत्रित करता हूं। वर्धमान नर्सरी स्कूल सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज रिद्धिमा वर्मा वर्धमान नर्सरी स्कूल, रिद्धिमा वर्मा थर्ड प्राइज, वेरी गुड बेटा ले लीजिए अपना प्राइज। अंश आफरीन आदिनाथ, हाँ
आदि आदि कम ऑन द स्टेज आदिनाथ गुड नाम हैप्पी स्कूल नबीहा also from Baburam Happy School and third prize goes to Mohammed Afan Vardhman Shiksha Mandir हाँ clapping जरूरी है बनती है बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपको बीच बीच में तालियां तो बजानी ही पड़ेंगी क्योंकि इतनी गर्मी के मौसम में भी इन बच्चों ने इतने जोश और उत्साह से इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं तो उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए आपको तालियां तो बजानी ही पड़ेंगी थर्ड प्राइज मोहम्मद अफान कॉन्सोलेशन प्राइजेस वान श्रीवास्तव जैन बाल सदन कॉन्सोलेशन प्राइज वान श्रीवास्तव त्रिशा त्रिशा फ्रॉम रामजस प्राइमरी वान श्रीवास्तव फ्रॉम जैन बाल सदन जेसिका फ्रॉम बाबूराम हैप्पी स्कूल नाम क्या है वन श्रीवास्तव वन श्रीवास्तव आप बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए बीच बीच में तालियां तो बजाइए त्रिशा का हो गया वन श्रीवास्तव नहीं आया सेकेंड प्राइज गोज टू साहिल ही इज फ्रॉम हैप्पी स्कूल साहिल सेकेंड प्राइज साहिल साहिल सेकेंड प्राइज हैप्पी स्कूल अभी आ गई है स्टेज पे प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द स्टूडेंट्स टू एनकरेज देम फॉर देयर पार्टिसिपेशन मोहम्मद अफनान फ्रॉम जेके हैप्पी स्कूल मोहम्मद अफनान जेके हैप्पी स्कूल हालिमा वजीहा नेशनल पब्लिक स्कूल हर्षिता वर्मा एसडी पब्लिक स्कूल जैबिश सरस्वती विद्यालय जैबिश यू आर जैबिश ओके बेटे वन बाय वन हलीमा वजीहा नेशनल पब्लिक स्कूल जैबिश सरस्वती विद्यालय नाउ ग्रुप डी फर्स्ट प्राइज गोज टू लाइबा सरस्वती विद्यालय लाइबा सरस्वती विद्यालय फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज रचित गुप्ता वर्धमान शिक्षा मंदिर रचित गुप्ता रचित गुप्ता वर्धमान शिक्षा मंदिर प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द स्टूडेंट्स थर्ड प्राइज तनिष्का सागर एसडी पब्लिक स्कूल प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज थर्ड प्राइज गोज टू कनक सिंह सरस्वती विद्यालय कनक सिंह फ्रॉम सरस्वती विद्यालय कॉन्सोलेशन प्राइजेस संध्या लक्ष्मी देवी क्लैपिंग की बहुत कमी है
खुशी खंडेलवाल, भाई जोगा सिंह, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सारा बख्शी, फ्रांसिस गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सारा प्राची लक्ष्मी देवी जैन गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यस यू कैन कलेक्ट, सारा बख्शी फ्रांसिस गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आकाश उपाध्याय वर्धमान शिक्षा मंदिर, आकाश उपाध्याय प्राची लक्ष्मी देवी जैन गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कॉन्सोलेशन प्राइज, और इसी के साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह जो है हम समाप्त करते हैं और सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब मैं आमंत्रित करूंगी अपने चेयरमैन साहब को, मैनेजर मैम को, प्रिंसिपल मैम को, वाइस प्रिंसिपल मैम को कि और हमारी वर्धमान शिक्षा मंदिर स्कूल की सभी टीचर्स जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया कि एक ग्रुप फोटोग्राफ तो बनती है। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल, जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।